सब्सक्राइब कीजिए स्कूप चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अमृतसर में हुए ट्रेन हादसे में अब ड्राइवर ने करे हैं बड़े खुलासे। आखिर उसने ट्रेन क्यों नहीं रोकी, खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखे। दशहरा के दिन जब अमृतसर में शुक्रवार को रावण दहन हो रहा था, उसी समय एक ट्रेन खुद काल बनकर आ गई और कई परिवारों को उजाड़कर चली गई। 61 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल है। हादसे की वजह तलाशी जा रही है। इस बीच उस ट्रेन को चला रहे ड्राइवर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उसका खुलासा जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पंजाब और रेलवे पुलिस ने लिया हिरासत में जिस ट्रेन से ये हादसा हुआ, वो जालंधर अमृतसर डीएमयू थी। हादसे के बाद रेलवे और पंजाब पुलिस ने उस ट्रेन के लोको पायलट यानी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उसने पूछताछ में दो बड़े खुलासे किए हैं जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये है ट्रेन के ड्राइवर का पहला खुलासा। सूत्रों के मुताबिक रेल ड्राइवर ने कहा कि रावण जलने की वजह से आसपास काफी धुआं था। घटना स्थल पर रोशनी की भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। रेल अधिकारी का भी कहना है कि वहां काफी धुआं था जिसकी वजह से ड्राइवर कुछ भी देखने में असमर्थ था। इसके अलावा ट्रेन भी घुमावदार मोड़ पर थी। जालंधर अमृतसर डीएमयू के लोको पायलट ने जो खुलासा किया है वो है सिग्नल को लेकर। उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसको पूरे रूट पर ग्रीन सिग्नल दिया गया था। पूरा ट्रैक भी खाली था कि अचानक कई लोग ट्रैक पर आ गए और हादसा हो गया। ये है ट्रेन ड्राइवर का बताया सच। ट्रेन ड्राइवर ने दूसरा सच भी बताया है। उसने बताया कि उसको पता चल गया था कि ट्रेन से हादसा हो गया है। उसने बताया कि जैसे ही उसको हादसे की जानकारी हुई, उसने फौरन ये जानकारी अमृतसर स्टेशन मास्टर को दी थी। उससे पूछताछ जारी है। वीडियो शेयर जरूर करें। ऐसे ही डेली न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।